बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर विनासपति तिवारी, प्रवक्ता गणित, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज मैं कक्षा 12 में गणित विषय के लिए सातत्य एवं औगुणता का चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये चैप्टर पढ़ाते समय जो मेरा मेन उद्देश्य है वो ये है, सतत फलन की परिभाषा आपको बता दूं, सततता संबंधित विभिन्न प्रश्न करा दूं, प्रश्न की सीमा और फलन के मान में संबंध बता दूं, अवकलनीय फलन और बोर्ड परीक्षा के विभिन्न प्रश्नों को मैं आपको समझा दूं। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले हम एक छोटे क्लास में जाते हैं, क्लास 8th या 9th में। छोटे क्लास में आपके सामने एक प्रश्न आया होगा अक्सर कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स माइनस 5। मैं आपसे कहूं कि एक्स बराबर 5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। जो बच्चे सीधे एक्स बराबर 5 इसमें भरेंगे वो क्या पाएंगे, वो पाएंगे 25 माइनस 25, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/0। क्या 0/0 एक है? नहीं, 0/0 एक नहीं है, इसे कहा गया अनिर्धार्य रूप, जिसको कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने इसको गुणनखंड कर लिया x माइनस 5, x प्लस 5, x माइनस 5, इसको इससे काट लिया, वो पा जाएंगे क्या x प्लस 5। अब इसमें अगर वो x का मान 5 भरेंगे तो वो क्या पाएंगे, वो पा जाएंगे 10। अब छोटे क्लास के बच्चों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उनके लिए कि जब हम x का मान सीधे 5 भर रहे हैं तो हम पा रहे हैं 0/0, और जब हम गुणनखंड करके काट के x का मान 5 भर रहे हैं तो हम लोग पा रहे हैं 10। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो छोटे क्लास के बच्चे इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बात के जवाब आपको मिले इस क्लास 12 में आके, तो आपको हमारे साथ सतत्ता का चैप्टर बहुत सावधानी से पढ़ना होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपने सीमा को बहुत कायदे से पढ़ा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। कक्षा 11 की बात मैं करूं, मैं एक फलन आपके सामने लिखा हूं, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। मैं इसकी जरा लिमिट निकालूं, लिमिट कौन सी, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको निकालना आपको क्लास 11 में सिखाया गया है, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। फैक्टर करके जब आप काटेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 x प्लस 5, और आंसर मिलेगा आपको 10। लेकिन जब x बराबर 5 पर फलन का मान निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f5 इक्वल टू 0/0। ध्यान देंगे, यह जो चीज हमने निकाला है यह x बराबर 5 पर सीमा का मान है, यह जो मान हमने निकाला है वो x बराबर 5 पर फलन का मान है। आपने देखा कि सीमा का मान और फलन का मान यहाँ पर बराबर नहीं है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी फलन के किसी बिंदु पर सीमा का मान निकाला जाए और उसी बिंदु पर फलन का मान निकाला जाए तो वो दोनों आपस में बराबर हों यह कोई जरूरी नहीं है। सतत्ता के चैप्टर को आप ठीक से समझ पाएं इसके लिए जरूरी है कि कक्षा 11 के जो लिमिट आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा फिर से देख लिया जाए। ध्यान देंगे, फलन की सीमा क्या होती है, यदि f कोई वास्तविक फलन हो तो बिंदु x बराबर a पर फलन की सीमा अस्तित्व में होगी, यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमाएं क्या हो, बराबर हो और अस्तित्व में हो। ध्यान देंगे, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू परमित। ध्यान देंगे, परमित का सेंस ये हुआ कि जो आपका लिमिट आना चाहिए वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। परिमित का सेंस हुआ कि जो आप लिमिट निकालें वो लिमिट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। आप इसको समझते होंगे,
इसी लिमिट को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, आप इसको जानते होंगे कि लेफ्ट लिमिट है, ये राइट लिमिट है, दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों परिमित आना चाहिए। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि h क्या है, h ग्रेटर देन जीरो होता है। अब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अस्तित्व में हो और बराबर हो, तो जो बराबर मान आता है उसी को कहा जाता है x बराबर a पर फलन की सीमा। इस उभयनिष्ठ मान को x बराबर a पर फलन की सीमा कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब फर्स्ट ईयर में कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जो बार बार आपने इस्तेमाल किया होगा फर्स्ट ईयर में, यहां भी हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x बाई x बराबर वन, लिमिट x टर्निंग टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स बराबर वन, लिमिट x टर्निंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बटे एक्स बराबर वन, लिमिट x टर्निंग टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपान x माइनस a इक्वल टू n a के पावर n माइनस वन, अगली लिमिट लिमिट x टर्निंग टू जीरो कॉस x बराबर वन। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ सकती है। अगला टॉपिक फिर फर्स्ट ईयर से, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, मतलब खुला अंतराल और बंद अंतराल, ये बार बार आपके सामने आता है, आप इसको समझिए। देखिए खुला अंतराल, इसका सिंबल लिखा गया है छोटे कोष्टक में ए बी, या इसका सिंबल एक और होता है। इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान देंगे ये एक सेट है, एक समुच्चय है। परिभाषा क्या है कि एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब x एक वास्तविक संख्या है, सच दैट x ग्रेटर देन a लेस देन b, मतलब वे सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़ी हों और b से छोटी हों उनका ही समुच्चय क्या कहलाता है, खुला अंतराल कहलाता है। ध्यान देंगे, जैसे मैंने लिखा खुला अंतराल 1 3, खुला अंतराल 1 3 का मतलब हुआ कि 1 नहीं है और 3 नहीं है, 20 की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ये मैंने फिगर ड्रा किया, जरा फिगर देखिए, देखिए ए और बी की जगह पे खाली जगह दिख रहा है, छेद दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है, बाकी ए और बी के बीच में देखिए कलर किया गया है, डार्क किया गया है। इसका मतलब हुआ इस रियल लाइन में ए नहीं है और बी नहीं है, 20 की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, इसे ही कहा जाता है क्या, खुला अंतराल। अगर हम बंद अंतराल की बात करें तो बंद अंतराल का सिंबल होता है क्या, बड़े ब्रैकेट में ए कमा बी। परिभाषा क्या है, एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। ध्यान देंगे इसमें ए को भी रखना है, बी को भी रखना है, और बीच की सारी संख्याओं को भी रखना है, सारी संख्याओं का मतलब है सारी वास्तविक संख्याओं को भी रखना है। ध्यान देंगे इस फिगर में ए और बी के जगह पर देखिए डार्क किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ए को भी रखा गया है, बी को भी रखा गया है, और बीच की सारी वास्तविक संख्याओं को भी रखा गया है। उदाहरण के तौर पर ये देखिए बंद अंतराल 1 3, बंद अंतराल 1 3 का मतलब हुआ एक भी लेना है, तीन भी लेना है, और 20 की सारी वास्तविक संख्याएं भी लेना है। 2.5 दो भी लेना है, पांच भी लेना है, 20 की सारी वास्तविक संख्या भी लेना है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ या आप जिस कमरे में बैठे हों उसमें अगर दोनों दीवारें ले ली जाएँ और 20 का सारा जगह ले लिया जाए तो बंद अंतराल है, मतलब इधर का दीवार और बीच की पूरी जगह। खुला अंतराल क्या होता है, ये दीवार हटा दिया जाए, ये दीवार हटा दिया जाए, मतलब इस दीवार की हम बात ना करें तो बीच का जो जगह दिखाई देगा उसे कहते हैं खुला अंतराल। अगला इंपॉर्टेंट चीज, अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। देखिए आप इमेजिन करिए कि कमरे का दरवाजा बंद है, तो बंद है तो उसको बंद अंतराल समझिए, कमरे का दरवाजा खुला है तो उसको खुला अंतराल समझिए। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक दरवाजा बंद कर दें और एक दरवाजा खोल दें तो उसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे दरवाजा अर्ध खुला है या कहेंगे दरवाजा अर्ध बंद है। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है, अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल। नाम से जाहिर है कि एक तरफ खुला होगा दूसरी तरफ बंद होगा। ध्यान देंगे ये खुले अंतराल का सिंबल है, ए इसमें नहीं है लेकिन बी है। दूसरा सिंबल क्या है, ए ओपन है बी क्लोज है, मतलब ए नहीं है और बी है, बीच की सारी संख्याएं हैं। अगर परिभाषा देखा जाए तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। कैसी वास्तविक संख्या है? एक्स ए से बड़ा है, बी या बी से छोटा है। ध्यान देंगे, ए नहीं लेना है, बी लेना है, और ए और बी के बीच की सारी वास्तविक संख्याओं को लेना है। ये अर्ध खुला या अर्ध बंद इसको भी बोल सकते हैं। नीचे देखिए, ऊपर नीचे में फर्क क्या है कि इसमें लेफ्ट में खुला था, राइट में बंद था। यहाँ क्या है? लेफ्ट में बंद है, राइट में खुला है। दोनों सिंबल एक ही है। परिभाषा क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स लेस देन बी। मतलब ए लेना है, बी नहीं लेना है, और बीच की सारी वास्तविक संख्याओं को भी कंसिडर करना है, लेना है। फिगर देखिए, एक जगह पे हालो है, खाली है, छेद है, ए नहीं लेना है, बी लेना है। बी मतलब देखिए यहाँ डार्क है, और बीच के सारे वास्तविक संख्याओं को लेना है। तो इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है। इसको आप अर्ध खुला चाहे अर्ध बंद बोल सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, लेफ्ट में बंद है, राइट में खुला है। ये भी क्या है? अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल है। देखिए 1, 3 लेफ्ट में खुला है, राइट में बंद है। इसमें देखिए लेफ्ट में बंद है, राइट में खुला है, तो ये अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे अक्सर पूछते हैं या बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इन दोनों में क्या फर्क है। मतलब कि बंद अंतराल 1-3 और समुच्चय 1-3 में क्या अंतर है। बच्चों समझिए आप, ये एक समुच्चय है जिसमें सिर्फ एक है और तीन है, सिर्फ और सिर्फ एक और तीन। यह एक अंतराल है, अंतराल भी एक समुच्चय है। ध्यान देंगे, ये अंतराल है, देखिए सेट के रूप में लिखा गया है, इसलिए अंतराल भी एक सेट है। लेकिन इस अंतराल या इस सेट की खासियत क्या है? इसमें 1 भी है, इसमें 3 भी है, और बीच में तमाम सारे वास्तविक संख्याएं हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 2.9, 2.5। तो इसमें दो ही पॉइंट हैं, इसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का इन टॉपिक को रिवाइज करने के बाद अब हम इस लायक हो गए हैं कि सततता की बात हम कर सकते हैं। ध्यान देंगे, एक अचर बिंदु पर कोई फलन सतत कहलाता है अगर उस बिंदु के लेफ्ट राइट या अगल बगल में या पड़ोस में उस वक्र को खींचें और आपको कलम न उठाना पड़े। ध्यान देंगे, जैसे आपने देखा होगा y² = 4x एक परवलय है, इसका फिगर भी आपने बनाया होगा छोटे क्लास में, ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ से शुरू करूँ तो मैं ये खींच सकता हूँ, मुझे कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सतत फलन है। इस फिगर में देखिए y = f(x) एक फिगर ड्रा किया गया एक फलन का। अगर मैं यहाँ से कलम उठा के इसको खींच लूँ, देखिए मुझे कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो देखिए एक अचर बिंदु पर कोई फलन सतत कहलाता है यदि उस बिंदु के आसपास फलन के आलेख को हम कागज़ की सतह से कलम उठाए बिना खींच सकते हो, यही सततता है। ध्यान देंगे, अगर हम आगे बढ़ें, यह परिभाषा एक तरह से व्यवहारिक परिभाषा है। यदि f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक फलन है तथा c प्रांत का एक बिंदु है जहाँ की फलन परिभाषित है, तो c पर फलन संतत या सतत कहलाता है। कब? जब lim(f(x)c) f(x) = f(c), अर्थात बिंदु c पर फलन की सीमा फलन के मान के बराबर होना चाहिए। देखिए इस चैप्टर का, इस लेक्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही लाइन है, यानी फलन बिंदु c पर सतत तब कहा जाएगा जब c पर लिमिट का मान और c पर फलन का मान आपस में बराबर हो। अगर ऐसा होता है तभी फलन सतत कहा जाएगा, नहीं तो फलन सतत नहीं कहा जाएगा। अब मैं आगे बढ़ूं, यदि सीमा के स्तर पर विस्तृत रूप में जाएं, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु x = c पर बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा तथा फलन का मान अस्तित्व में हो तथा बराबर हो तो फलन बिंदु x = c पर संतत कहलाता है। यदि lim(x)c - f(x) lim(x)c + f(x) = f(c) = परिमित। ध्यान दीजिएगा, आपके मन में आया कि ये चीज़ कहाँ से आ गया, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊँ। देखिए
फलन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर सतत कब होता है? तो मैंने आपको बताया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, मैंने कंडीशन आपको बताया क्या कि बिंदु x बराबर c पर सीमा का मान अगर फलन के मान के बराबर हो तो फलन x बराबर c पर सतत कहलाता है। अब अगर हम लिमिट के अंदर जाएं, लिमिट की बात करें, तो आप याद करिए मैंने आपसे कहा था कि लिमिट क्या होता है। तो आपको बताया था कि x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था? लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट क्या था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट है। आपसे कहा था अगर बिंदु सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, बिंदु सी पर राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर हो और परमिट हो तो फलन की सीमा एक्स बराबर सी पर अस्तित्व में होगी। और ये भी कहा था कि जो उभयनिष्ठ मान होता है यही x बराबर c पर फलन की सीमा कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों सीमाओं का जो उभयनिष्ठ मान है, ये जो दोनों सीमाएं बराबर हैं, यही फलन की सीमा कही जाती है। हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं क्या? लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सततता की मूल परिभाषा है, क्या लिमिट एक्स टर्निंग टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, अगर इस जगह पर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, इसको लिख दूं, तो सततता की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो सततता की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक नए रंग रूप में आ जाएगी। कैसे? कि लिमिट एक्स टर्निंग टू सी माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टर्निंग टू सी प्लस एफ एक्स बराबर एफ सी। इसका मतलब आप फ्री हैं, आप चाहें तो सतत्ता ऐसे चेक कर लें, कैसे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी कर लें, तभी पता चल जाएगा कि फलन एक्स बराबर सी पर सतत है कि नहीं। या आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान, ये तीनों निकाल के देख लें कि तीनों बराबर हैं कि नहीं है। अगर बराबर है तो फलन क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है, फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 की बिंदु x बराबर 5 पर सांतत्य की जांच कीजिए। देखिए मैं करने वाला क्या हूँ, इस फलन के लिए x बराबर 5 पर सीमा निकालूंगा, x बराबर 5 पर फलन का मान निकालूंगा, और अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी तो मैं बोल दूंगा फलन क्या है? x बराबर 5 पर सतत है। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, लिमिट एक्स टर्निंग टू फाइव एफ एक्स मीन्स लिमिट एक्स टर्निंग टू फाइव फाइव एक्स माइनस थ्री, इसकी लिमिट निकालें तो कितना आएगा? फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री 22, यानी x बराबर 5 पर सीमा का मान आएगा 22, और अगर x बराबर 5 पर फलन का मान निकालें तो भी आएगा 22। इसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर 5 पर सीमा का मान और x बराबर 5 पर फलन का मान, ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है। ये दोनों आपस में बराबर आने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फलन एफ एक्स लिखा गया है यह फलन x बराबर 5 पे क्या है? संतत है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि असंतत फलन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो हम इसे x बराबर c पर असंतत फलन यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जाहिर सी बात है अगर x बराबर c पर संतत है तो है, लेकिन अगर संतत नहीं है तो हम क्या कहेंगे? x बराबर c पर फलन संतत नहीं है। ध्यान देंगे, तथा बिंदु x बराबर c को फलन का असंतत्य का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ हमें और डिटेल में बात करना है, हमारा काम इससे नहीं चलेगा पूरा, अभी हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था कि संतत फलन क्या होता है, बताया था आपको कि किसी फलन का वक्र खींचिए
और अगर आपको कलम न उठाना पड़े, आप बकरे को खींच सकें, तो समझिएगा कि फलन क्या है, संतत है। अब मैं आपको कहूं, इसे सपोज करिए कि x बराबर ये 3 है, आपसे कहूं बताइए ये गर्भ जो प्लाट किया गया है क्या x बराबर c पे 3 पे संतत है, तो आप एक काम करिए x बराबर 3 पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, जब आप इस वक्र को खींचेंगे तो आपको इस पॉइंट पे कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अगर इसमें एक चेंजिंग कर दूं और मैं ऐसे बना दूं, अब आपसे कहूं इस वक्र को जरा प्लाट करिए, जब आप प्लाट करेंगे तो इस बिंदु पर बिना कलम उठाए आप प्लाट नहीं कर पाएंगे, कलम आपको उठाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यह फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। देखिए ये तो बात हो गई, एक तरह से प्रैक्टिकल बात हो गई। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ध्यान देंगे मैंने आपसे क्या कहा कि फलन संतत कब होता है, कब होता है, जब लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स बराबर एफ सी हो, यानी बिंदु c पे सतत चेक करना है तो लिमिट का मान फलन के मान के बराबर होगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि x बराबर c पर लिमिट का मान कुछ और आ जाए, फलन का मान कुछ और आ जाए, मतलब दोनों बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि फलन x बराबर c पे संतत नहीं है। अगर मैं इस पे एक उदाहरण लूं, ध्यान देंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स माइनस वन, और x बराबर 1 पर हम ये चेक करने जा रहे हैं कि फलन ये सतत है कि नहीं है। देखिए सीधा सा उपाय है, आप काम करिए क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स निकालिए, मतलब x बराबर 1 पर हम सीमा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कितना होगा, तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स माइनस वन। ध्यान देंगे आप इसको पढ़ चुके हैं, ये 0/0 का फॉर्म है, हमें क्या करना है, हमें इसका गुणनखंड कर लेना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन कट जाएगा और क्या बचेगा, बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स प्लस वन। तो लिमिट निकालेंगे तो कितना आएगा, लिमिट आएगा इसका 2। तो हमने आपको चीज एक तरह दिखा दिया क्या, इस फंक्शन में लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स का मान मिल रहा है हमको 2। लेकिन अगर x बराबर 1 पर मैं फलन का मान निकालूं तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। आप एकदम क्लियर देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर लिमिट का मान 2 आ रहा है, लेकिन x बराबर 1 पर फलन का मान 0/0 आ रहा है, इसका मतलब लिमिट का मान फलन का मान आपस में बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यह फलन, देखिए बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। मैंने इसका ग्राफ भी देखिए प्लाट कर लिया है, तो अगर ग्राफ की बात मैं करूँ तो ध्यान दीजिएगा ये ग्राफ खींचा गया है और x बराबर 1 पे देखिए यहाँ होल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पे देखिए लाइन जा रही है, ये लाइन यहाँ पे छेद हो गया, यानी लाइन का वह पोर्शन वहाँ से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। तो इस कर्व में अगर आप इस लाइन को खींचने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि लाइन खींचते चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कलम उठाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यह वक्र जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, ये x बराबर 1 पर सतत नहीं है, यानी कि असतत का पॉइंट है। अगर हम आगे बढ़ें देखिए एक उदाहरण और है, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर मॉड x के सांतत्य पर विचार कीजिए। ध्यान देंगे मॉड x पे बोर्ड परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह फलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फलन है, इसको थोड़ा ध्यान समझिए। देखिए मापांक फलन एफ एक्स सिंबल है मॉड x की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या कहता है, एफ एक्स बराबर मॉड x
इक्वल टू एक्स, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई संख्या जीरो है या जीरो से बड़ी है तो मॉड एक्स का मान एक्स होता है, लेकिन वो संख्या अगर जीरो से छोटी है तो मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होता है। एक्चुअली माइनस और एक्स, एक्स चूंकि नेगेटिव है इसलिए संख्या क्या आएगी, पॉजिटिव संख्या आएगी। एक्स नेगेटिव है उसके आगे माइनस लगा दिया गया है तो यह संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब मॉड एक्स हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि मॉड फोर, इसकी वैल्यू भी फोर। अगर मैं आपसे कहूँ मॉड माइनस फोर तो इसकी वैल्यू भी प्लस फोर। हम आगे अगर बढ़ें तो आप पाएंगे कि ये फलन का ग्राफ खींचा गया है और जीरो जीरो पे कस्प यानी कि चोंच बना रहा है। इस मॉड फलन की खासियत होती है कि जीरो जीरो पे ये चोंच बनाता है। हम अगर बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ध्यान देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, ये लेफ्ट लिमिट में निकाल रहा हूँ, कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ माइनस एच, यानी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड माइनस एच, और मॉड की परिभाषा से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच यानी कि जीरो। तो आपको मैंने यहाँ यह दिखा दिया क्या कि ये जो फलन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है जीरो। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, ध्यान देंगे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो कितना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो मॉड एच। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच और ये दे देगा जीरो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गया और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, ये भी जीरो आ गया। अब अगर हम फलन के मान की बात करें तो ध्यान देंगे एफ जीरो कितना होगा, एक्स बराबर जीरो पर फलन के मान कितना होगा, तो होगा कितना, एफ जीरो बराबर, देखिए इस रेंज में आता है, तो एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया क्या कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच जो कि राइट हैंड लिमिट है ये किसके इक्वल है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, और ये किसके बराबर है, एफ जीरो के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, फलन जीरो पे संतत है। ध्यान देंगे मॉड फलन हमेशा एक्स बराबर जीरो पे क्या होता है, संतत होता है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।